कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स क्या कहती है? जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट करते हैं सब कोलाइड करते हैं, बट हर कोलिजन रिएक्शन कॉज करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि दो टाइप के कोलिजन ही क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कॉज कर सकते हैं। पहला, जिन कोलिजन की सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी होगी कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक बैलेंस कर सके या उनसे ज्यादा हो, तो वो कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन कहलाते हैं, और वो कोलिजन क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को कॉज करते हैं। दूसरे टाइप के कोलिजन वो होते हैं जो प्रॉपर ओरिएंटेशन के थ्रू हुए। अगर उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर था, जिनकी वजह से जो पुराने बॉन्ड थे वो टूटे और नए बॉन्ड जो प्रोडक्ट के बीच बने वो बन गए, राइट? तो वो वाले कोलिजन्स भी क्या होते हैं, इफेक्टिव कोलिजन होते हैं और रिएक्शन को कॉज करते हैं। तो ये स्टेट करती है केमिकल काइनेटिक्स की कोलिजन थ्योरी। थैंक यू।